टू क्रिएटिव किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश कैरमल पुडिंग। कैरमल पुडिंग हम बनाएंगे कस्टर्ड से। तो चलिए मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है 4 टेबलस्पून कस्टर्ड, 1.5 कप हम ले लेंगे मिल्क, उसके बाद हम ले लेंगे शुगर, लेकिन शुगर मैंने 2 जगह ली है। 1/2 कप शुगर हम यूज़ करेंगे कैरमल बनाने के लिए, और बाकी की बची हुई 1/2 कप हम डाल देंगे बैटर में। पुडिंग के बैटर में हम 1/2 कप बची हुई चीनी डाल देंगे। इस तरह से हमें टोटल 1 कप चीनी का यूज़ होगा। कैरमल पुडिंग हम जो बना रहे हैं इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे ब्रेड। तो मैंने यहाँ 6 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, लेकिन जो ब्रेड के साइड्स है हम उसे कट करके ले लेंगे। उससे पहले हमें एक काम करना है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इस वजह से सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मैंने इस तरह से इसके साइड्स जो है अच्छी तरह से कट कर लिए है। बची हुई ब्रेड के भी हम कॉर्नर्स और उसके साइड्स अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर में छोटे पीसेस कर लेंगे और मिक्सर में से हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बहुत इजीली ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। अब गैस के ऊपर मैंने इस तरह से ये बर्तन चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम 1/2 कप शुगर डाल देंगे। इसमें आपको कोई मिल्क या पानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से कैरमलाइज हो जाती है। स्लो फ्लेम पे हम ये कर रहे हैं, स्लो से मीडियम फ्लेम पे आपको ये करना है और ये मेल्ट होकर इसका कलर ब्राउन होने तक आपको ये कैरमलाइज करना है। देखिए शुगर अच्छे तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है। आपको ये स्लो फ्लेम पे करना है और इसे कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते रहना है, वरना शुगर आपकी जल जाएगी। तो अब हमें हनी की तरह इसका कलर जब ब्राउन हो जाएगा, इसका टेक्सचर हनी के जैसा दिखने लगेगा, तब तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे इसी तरह से स्टर करते रहना है। देखिए इसका नियर अबाउट टेक्सचर और कलर चेंज होने लगा है, ये ब्राउन होने लगा है। जैसे ही शुगर कैरमलाइज होती है गैस को हम ऑफ कर देंगे और तुरंत हम इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर इसे हम गैस बंद करने के बाद तुरंत नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बहुत सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगी और ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा कंटेनर में ट्रांसफ़र करना। गैस बंद करके मैं इसे तुरंत कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और कंटेनर को आपको अच्छी तरह से घुमाना है हर साइड में कि ये जो सिरप है, ये जो कैरमल शुगर हमने इसके अंदर डाला है, तो पूरे कंटेनर में अच्छी तरह से ये स्प्रेड हो जाए। और ये आपको तुरंत से तुरंत और बहुत फास्ट करना है, वरना ये जैसे सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा ये अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो इस साइड में किस तरह से मुझे दिक्कत हुई है इसे स्प्रेड करने के लिए। अब हमने जो मिल्क लिया था वो हम गैस के ऊपर रख के गरम कर लेते हैं और इसके अंदर हम शुगर भी ऐड कर लेंगे। और ये कस्टर्ड पाउडर जो लिया था हम इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। याद रखें कस्टर्ड का कभी भी पेस्ट ठंडे पानी या ठंडे दूध में बनाना है कि वो आसानी से उसका पेस्ट बन जाता है। गर्म दूध या गर्म पानी आपको इसके लिए यूज़ नहीं करना है। साथ ही में गैस पे हमने जो दूध रखा था उसके पास भी हमें अच्छे तरह से ध्यान देना है, स्टर करना है उसे हमें अच्छे तरह से। जैसे ही ये उबल जाए, गर्म हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे कस्टर्ड जो हमने उसकी पेस्ट बना ली थी। दूध हल्का सा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कस्टर्ड की पेस्ट जो हमने ठंडे मिल्क में या ठंडे पानी में किसी में भी आप बना सकते हो, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी, तब हम इसके अंदर डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो चुकी है, पहले ये बहुत ही पतला था, अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डालेंगे, एक ही साथ सारा ब्रेड क्रम्स हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इस समय भी आपको गैस ऑन ही रखना है। तो इस तरह से आप ये अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, केक का जो बैटर होता है उस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखना है।
ये हो गया तैयार हमारा बैटर। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये जो कंटेनर हमने लिया था जिसमें हमने शुगर डाली थी, कैरमलाइज शुगर, उसके अंदर हम ये बैटर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम प्लेन कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कंटेनर को टैप कर देंगे हल्के हाथ से और ये सारा बैटर जो है कोई स्पून की मदद से या फिर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, इसे इवन कर लेंगे इसका सरफेस अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से ये कैरमल पुडिंग हम बनाने जा रहे हैं कुकर में। अब कुकर में मैंने इस तरह से एक स्टैंड रख दिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी और मैंने इसे ढक्कन लगा के ये पानी गर्म होने रख दिया था। याद रखें, जो आप लीड यूज़ कर रहे हैं, लीड की सीटी और वायर आपको निकाल देनी है। अब ये कंटेनर में हमने जो बैटर ट्रांसफ़र किया था वो कंटेनर को हम एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे इस तरह से। उस वजह से जो कुकर में का पानी और स्टीम है ये अंदर नहीं जाएगा और ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कवर कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने पूरी तरह से इसे अच्छे से कवर कर लिया है। इसे उठा के हम रख देते हैं कुकर में जिसके अंदर हमने पानी ऑलरेडी गर्म कर लिया था इस तरह से। अब कुकर की जो लीड है, कुकर के लीड की जो वायर और सीटी होती है वो हम निकाल देंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे एक 25 से 30 मिनट के लिए। ओके, इस तरह से मैंने इसका लीड लगा दी है और गैस भी हमने स्लो कर दिया है। अब इसे हम स्टीम होने रख देते हैं। हाफ आवर हो चुका है और ये अच्छे तरह से अब स्टीम हो चुका है। ये कंटेनर अब हम कुकर से बाहर निकाल के रखेंगे, लेकिन याद रखें इसका जो फॉइल है, ये जो कवर है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए और इसे बाहर निकाल के ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर तक आने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए ये ठंडा हो चुका है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर को आ चुका है। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज के अंदर। करीबन 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने रख दूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं, पुडिंग हम निकाल लेते हैं फ्रिज से बाहर। तो चलिए, अब ये जो एल्युमिनियम फॉइल हमने लगाया था ये भी हम निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए किस तरह से आपको 2 लेयर दिख रहे हैं। ये देखिए, ऊपर कैरमल, नीचे कस्टर्ड, किस तरह से आपको ये 2 लेयर दिख रही है। और ये ठंडी ठंडी फ्रिज में से सेट किया हुआ पुडिंग हम खाएंगे, टेस्ट करेंगे। बहुत ही यमी बना है ये, आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और जो भी आपके कमेंट हो, अच्छे हो बुरे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय। Thank you.